रेवाड़ी से आज फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डंपिंग स्टेशन स्थानांतरण को लेकर दिया मौन सांकेतिक धरना। बता दें रेवाड़ी के लियो चौक के निकट स्थित कूड़ा संग्रह स्थल को कहीं और शिफ्ट करने की मांग को लेकर एक दिन का मौन सांकेतिक धरना दिया गया है। इससे पहले कूड़ा घर को हटवाने के लिए स्थानीय निवासी और जन प्रतिनिधियों ने डीसी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि शहर के लियो चौक के निकट आबादी क्षेत्र में डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। पिछले 10 सालों से बदबू के कारण स्थानीय निवासी व्यापारी गण परेशान हैं और यहां कूड़ा घर पानी सप्लाई के बूस्टिंग स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी से पीने के पानी की सप्लाई होती है। इसके अलावा कुछ दूरी पर ही धार्मिक स्थल मंदिर और पुलिस चौकी भी है। सामुदायिक भवन की दूरी भी ज़्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कूड़ा घर के कारण बदबू उठती रहती है जिससे स्थानीय निवासियों का जीना मोहाल हो गया है। इतने नहीं इस कूड़े में मेडिकल वेस्ट भी डाल दिया जाता है। ऐसे में गौवंश कूड़े के ढेर में भोजन तलाशते रहते हैं जिससे उनके लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा है कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। जी ये कूड़ादान है बीएमसी मॉल के साथ, इसको स्थानांतरित करने के लिए हमने यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसके साथ सबसे बड़ा कारण इसका स्थानांतरित करने का क्या है कि इसके साथ बूस्टिंग स्टेशन है। उस बूस्टिंग स्टेशन से 20,000 से 25,000 लोगों के घर पानी जाता है सबसे बड़ा कारण। और कूड़े के ढेर से गायें जो हैं इसके अंदर कूड़े के ढेर के अंदर रहती हैं तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोगों को भी जान का खतरा बना रहता है। इससे सेहत भी ख़राब होती है। जी कूड़ादान को यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। ये हमारा कुमार है। आज सरकार ने एक बहुत अच्छी सौगात दी है, एम्स का हॉस्पिटल जो है माजरा में पास हो गया है। सरकार हॉस्पिटल इसलिए बनाती है ताकि लोगों का इलाज हो सके, लेकिन सरकार ने कभी ये सोचा कि लोग बीमारी क्यों होते हैं? जब शहर के बीच के अंदर आप कूड़ादान का ढेर लगा दोगे, पूरा मोहल्ला 10 सालों से सड़ रहा है, आसपास के व्यापारी 10 सालों से सड़ रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। सारे ज्ञापन सबको दे दिया, अखबार में निकाल दिया, टीवी में दे दिया, न्यूज़ दे दी, सरकार के जू नाक पर कान में जूं तक नहीं रेंग रही, सरकार सो रही है क्या? इसी को जगाने के लिए आज हमने एक मौन व्रत का आंदोलन किया था जिसके तहत सरकार को जगाने की कोशिश की गई है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, गुटखा बनाने वाली कंपनी है और वो फिर कैंसर हॉस्पिटल खोल रही है। मतलब एक तरफ आप एम्स खेल रहे हो, दूसरी तरफ शहर के बीच में कूड़ादान की व्यवस्था को आप परमिशन दे रहे हो कि जल्द से जल्द इस कूड़ादान को यहाँ से उठवाया जाए, स्थानांतरित किया जाए। 200 एकड़ ज़मीन मांगी थी आपने, 383 एकड़ ज़मीन मिल गई है, 183 एकड़ ज़मीन आपको एक्स्ट्रा मिली है। उस एक्स्ट्रा ज़मीन पर आप जाकर के कूड़ादान का डंपिंग यार्ड बनाएं, रिसाइकलिंग प्लांट लगाएं, क्योंकि बाद में मेडिकल वेस्ट भी वहाँ निकलेगी और शहर का कूड़ा भी वहाँ ही जाएगा। इस समस्या का समाधान हो सकता है। कहने की बात यह है कि समस्या जब भी जन्म लेती है उसके साथ समाधान भी जन्म ले लेता है, लेकिन हमारी सरकार समाधान की तरफ नहीं देख रही, समस्या की तरफ देखती रहती है। तो सरकार को इसीलिए हमने ये मौन आंदोलन कर करके सरकार की चुप्पी का तोड़ने का प्रयास किया गया और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार एक तो स्वच्छता अभियान चला रही है। देखो सफाई व्यवस्था तो वहाँ यहाँ की बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये जो डंपिंग यार्ड ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच हैं, जिससे कि शहर में पहले ही महामारी फैली हुई है, कोरोना जैसी महामारी आ रही है और इस बदबूदार एरिया में रह के भी लोग आधे से ज़्यादा बीमार हैं। लोग बाग यहाँ घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं इस बदबू से परेशान होकर। तो हम ये चाह रहे हैं कि मैं वार्ड नंबर इसी वार्ड से पार्षद भी हूँ सुरेश कुमार सैनी, मैं ये चाहता हूँ कि ये डंपिंग यार्ड यहाँ से हटा के कहीं शहर से बाहर किया जाए।